नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस यूटेक का टेक्निकल चैनल में। दोस्तों आज यहाँ पे एसस ने लॉन्च कर दिया है इंडिया में अपने दो नए बजट स्मार्टफोन्स। जी हाँ दोस्तों, एसस ने लॉन्च कर दिया यहाँ पे ज़ेनफोन मैक्स M1 और यहाँ पे लॉन्च कर दिया ज़ेनफोन लाइट L1। तो दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं एसस ने और दोस्तों दोनों ही कह सकते हैं जो दोनों 10,000 के प्राइस के नीचे हैं। तो दोस्तों आज ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि दोपहर को आपने देखा होगा ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि 10,000 रुपए के नीचे हैं। तो दोस्तों उस लिस्ट में आप दो नए फोन्स और भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो दोनों फोन्स आए हैं वो दोनों फोन्स यहाँ पे 10,000 रुपए से कम के हैं और स्पेसिफिकेशन जो उनकी मुझे लगी है वो कि काफी अच्छी है। यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि प्राइस उनकी कम है तो फोन में हमें ज्यादा कुछ अभी नहीं मिलेगा जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, मगर तभी मुझे ओवरऑल स्पेसिफिकेशन अच्छी लगी है। तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं सबसे पहले इन दोनों में जो महंगा है जो कि आपका ज़ेनफोन का मैक्स M1। तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 5.45 इंचेस का HD+ डिस्प्ले जिसकी पिक्सल डेंसिटी आपको 720x1440 और दोस्तों फोन की एस्पेक्ट रेशियो 1800 है। कहने का मतलब है कि एक नॉर्मल डिस्प्ले है जैसे कि यहाँ आपको रियलमी में मिल जा रहा था, नॉच वाला डिस्प्ले मिल जा रहा था C1 में, उस तरह से यहाँ पे आपको एसएस ने अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिया नॉच वाला डिस्प्ले इस पर्टिकुलर फोन में। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे तो इसका एस्पेक्ट रेशियो 1800 अगेन यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 430 क्वाड कोर प्रोसेसर। जी दोस्तों यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिला है जो कि क्वाड कोर प्रोसेसर है और साथ ही में दोस्तों ये फोन रन करता है आपका एंड्रॉइड ओरियो 8.1 पे जिसके ऊपर आपको मिल जाएगी Zen UI 5.0। दोस्तों अगेन बात करते हैं यहाँ पे इसके वेरियंट के बारे में, तो दोस्तों ये एक सिंगल वेरियंट है जो कि आपको 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ अवेलेबल है। और दोस्तों इसकी कैमरा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 13 MP का रियर कैमरा जिसकी अपर्चर वैल्यू F2.0 और साथ ही में मिल जाता है दोस्तों 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा जो कि है F2.2 अपर्चर के साथ। तो दोस्तों यहाँ दोनों में आपको कह सकते हैं रियर और फ्रंट दोनों में आपको LED फ्लैश मिल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको रियर माउंटेड एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। तो वहीं पे दोस्तों बात करते हैं तो इसकी जो प्राइस रखी है यहाँ पे कंपनी ने वो है 8,999 रुपए जो कि अभी आपको 7,499 रुपए में मिल जाएगा। जी दोस्तों यहाँ पे कोई एग्जैक्टली डेट नहीं बताई गई है कि ये फोन आपको कब अवेलेबल होगा, बट ये दोनों फोन आपके फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव फोन होंगे। तो दोस्तों ये जो फोन आपको फ्लिपकार्ट पे धमाका ऑफर शुरू होगा उसी के अंदर ये फोन आपका लॉन्च होगा, ये रिलीज होगा और 7,499 रुपए में ये फोन आपका अवेलेबल होगा। साथ ही में यहाँ पे आपको काफी सारे अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे दोनों फोन्स पे। यहाँ आपको जियो का कैशबैक ऑफर मिल जाएगा, 2200 रुपए का कैशबैक ऑफर मिल जाएगा, साथ ही आपको 50GB की एक्स्ट्रा डेटा मिल जाएगी, साथ ही साथ जो मोबाइल प्रोटेक्शन जो कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन फ्लिपकार्ट आपको देता है वो इसकी जो इस पर्टिकुलर दोनों फोन्स की जो कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन है उसकी प्राइस है आपको 399 रुपए जो कि अगेन आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट धमाका ऑफर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था फोन के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। हाँ दोस्तों मैं बताना भूल गया कि फोन के अंदर एक और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको मिल जाएगी 4000mAh की बैटरी। तो यहाँ पे आपको बैटरी के बारे में भी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी खासी बैटरी मिल जा रही है। वहीं पर दोस्तों जो अगला फोन है जो कि आपका ज़ेनफोन लाइट L1, तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले भी सेम है यहाँ पे आपका मैक्स M1 की तरह। यहाँ पे आपको 5.45 इंच का HD+ डिस्प्ले मिल जा रहा है, पिक्सल डेंसिटी 720x1440 है, अगेन यहाँ पे प्रोसेसर भी आपका सेम है, स्नैपड्रैगन का 430 का क्वाड कोर प्रोसेसर है। बट दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पे कैमरा थोड़ी बहुत चेंजेस है, जैसे कि यहाँ पे कैमरा आपको मिल जाता है 5 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा और यहाँ पे 13 MP का रियर कैमरा मिल जा रहा है जिसमें अगेन यहाँ भी आपको दोनों में LED फ्लैश मिल जा रहा है। बट दोस्तों यहाँ एक दिक्कत क्या है कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह का फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको कहते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, यहाँ पे बस आपको फेस अनलॉक फीचर दी गई है, फिर आप पिन या पैटर्न डाल सकते हैं अपने फोन को प्रोटेक्शन के लिए। और दोस्तों साथ ही में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाती 3000mAh की बैटरी जो कि वहां से 1000mAh कम है। बट दोस्तों अगेन अभी सारी बातें क्लियर नहीं हुई। अगर बात करते हैं आप इसकी प्राइस के बारे में तो दोस्तों ये फोन की प्राइस है 6,999 रुपए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस फोन की प्राइस रखी गई है 6,999 रुपए और दोस्तों अभी अगेन फ्लिपकार्ट धमाका ऑफर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 5,999 रुपए में मिल जाएगा। दोस्तों ये फोन जो कि 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज के साथ अवेलेबल है ये आपको मिल जाएगा 5,999 रुपए में। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं अगेन कि क्या आपको ये फोन लेना चाहिए, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको शायद से अगर आप चाहते हैं कि आप एक लो बजट फोन खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये फोन आप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको 5.5 इंच का डिस्प्ले मिल जा रहा है, फिर यहाँ पे आपका कैमरा भी ऑलमोस्ट ठीक है,
जो फ्रंट का कैमरा है वो तो आपका 5 मेगापिक्सल का ही है, बट यहाँ पे आपको रियर कैमरा 30 मेगापिक्सल का मिल जा रहा है। बैटरी भी 3000 mAh की है कि इस पर्टिकुलर प्राइस में ये बैटरी भी यहाँ पे कम नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो बस यहाँ एक ही चीज जो डिफरेंस मेरे को लग रहा है कि वो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है या फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है यहाँ पे थोड़ा सा बस वो चीज मेरे को अगर वो भी एक अवेलेबल कर दी होती इस पर्टिकुलर प्राइस में तो भैया मजा आ जाता, बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि तब ये लगता कि फोन जो है वो कंप्लीटली तैयार है, क्योंकि आदत हो गई अब फिंगरप्रिंट सेंसर की। यहाँ पे मेरे पास भी पहले फोन था जिसमें कि फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं था, तो उसको खोलने में कभी कभी दिक्कत होती है, उसे लगता है कि हाँ भैया यहाँ पे तो बस ऐसे टैप किया खुल गया, बट वहाँ पिन टाइप करना पड़ता है। तो तभी यहाँ पे आपको अगेन फेस अनलॉक फीचर मिल जा रही है, तो आप चाहे तो फेस अनलॉक फीचर से यहाँ पे फोन को खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी दोनों फोन की कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसी तरह की कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लें, और वीडियो कैसी लगी इसका कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।